जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोगों का जनधन खाता के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में, जहां पर आप लोगों को बताते हुए काफी खुशी हो रही है, जिन लोगों का भी जनधन खाता है और उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनको उनके जनधन खाता में 6,000 रुपए की धनराशि मिलना चालू हो चुकी है। और कई लोगों ने पूरे भारतवर्ष में अपने मोबाइल में मैसेज भी प्राप्त किया कि कैसे भारत सरकार के द्वारा उनको उनके जनधन खाता में पूरे 6,000 रुपए की धनराशि मिल रही है। अगर आपका भी जनधन खाता है और आपको 6,000 रुपए मिल चुके हैं, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं कि भारत सरकार ने आपके जनधन खाता में आपको 6,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। और अगर आपके जनधन खाता में आपको 6,000 रुपए नहीं मिले हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, भारत सरकार की इस सरकारी योजना में एक आवेदन करने के बाद आप लोगों को मिलेगा सीधे 6,000 रुपए की धनराशि आपके जनधन खाता में। बता दें भाई बहनों, भारत सरकार ने गरीब वर्ग वाले भाइयों बहनों के लिए कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें से सबसे बड़ी खबर यह निकल के आ रही है, जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं है, जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं, उनको सीधे भारत सरकार उनके जनधन खाता में दे रही है 6,000 रुपए की धनराशि। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये 6,000 रुपए की धनराशि आपको तभी मिलेगी जब आपका एक सरकारी बैंक में खाता होगा, एवं आप लोगों का जो खाता होगा वो जनधन होना चाहिए और जनधन खाता आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो आप लोगों को भाइयों बहनों मिलेगा पूरा 6,000 रुपए की धनराशि सीधे आपके जनधन खाता में भारत सरकार के द्वारा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे भाई बहनों, हमारे देश में कोरोना महामारी आई हुई है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था एकदम ठप सी पड़ गई है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं और गरीब वर्ग वाले भाइयों बहनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा कर दी है कि आप लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, चाहे आपके पास राशन कार्ड हो चाहे राशन कार्ड ना हो। इसी के साथ आप लोग को बता देना चाहते हैं, फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में 80 लाख नए मकानों के आवेदन चालू होने आ रहे हैं, जिसका आवेदन आप लोग घर से बैठे बैठे कर सकते हैं। जब आवेदन चालू होगा हम अपने चैनल पर लेके आ जाएंगे। और जिन लोगों ने भी अपने जनधन खातों को आधार कार्ड से लिंक करा रखा था, उनको सीधे उनके जनधन खाता में मिलेगी पूरे 6,000 रुपए की धनराशि। आपको बता दें भाई बहनों, भारत सरकार की हर सरकारी योजना का अगर आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल ही है जनधन खाता का सरकारी न्यूज चैनल। अब आपको बता देना भाई बहनों, भारत सरकार ने गरीब वर्ग वाले भाइयों बहनों के लिए कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं शुरुआत की हैं, जिसका गरीब वर्ग के भाई बहन फायदा उठा रहे हैं और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। आप अगर हर सरकारी योजना का सबसे पहले फायदा उठाना चाहते हैं, तुरंत हमारे चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो लाइक कर दें, ताकि आप लोग और हम लोग आपस में जुड़े रहें। अब आप लोगों के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण खबर जो लेके आए हैं, वो आप लोग जान लीजिए कि कैसे आपको आपके जनधन खाते में पूरे 6,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। आपको बता देना चाहते हैं भाई बहनों, भारत सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत ही इसलिए की थी कि हमारे देश में जितने भी गरीब वर्ग के भाई बहन हैं, उन लोगों को हर सरकारी योजना का फायदा मिल चुके। आपको बता दें, हमारे देश में अभी तक 51 करोड़ लोगों का जनधन खाता भारत सरकार ने खोला है। जनधन खाता में एक रुपए लिए बिना एक इंसान का सिर्फ आधार कार्ड पे उसका जनधन खाता खोल दिया जाता है। आप लोग को बता दें, अगर आप लोगों का भी सरकारी बैंक में खाता है, आप लोग गरीबी रेखा में आते हैं, तो आप लोगों को अब मिलेगा सीधे आपके जनधन खाते में पूरे 6,000 रुपए की धनराशि भारत सरकार के द्वारा। आपको बता दें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सरकारी योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हमारे देश में 14 करोड़ लोगों के जनधन खाता में भारत सरकार ने सीधे 6,000 रुपए भेजे हैं, जिसके लिए अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये दस्तावेज होना चाहिए। अब आप लोग इसमें कैसे आवेदन करेंगे और कहां पर आवेदन करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं अपने इस वीडियो में। बता दें भाई बहनों, भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है, उसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग घर पे बैठे बैठे भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने के बाद आपको सालाना 6,000 रुपए मिलना चालू हो जाता है, 2,000 रुपए करके 3 बार भारत सरकार ये आपके खाते में भेजती है। लेकिन इसमें सिर्फ जो किसान होंगे, गरीबी रेखा में आते होंगे, उन्हीं को जगह मिलेगी और भारत सरकार उनको सालाना 6,000 रुपए हर साल ट्रांसफर करेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, तुरंत जुड़े और सीधे अपने जनधन खाते में पाएं 6,000 रुपए की धनराशि भारत।